के तेरह 800 से 14,000 के टारगेट आ लिए। सकते हैं। भारत रसायन एलगी इक्विपमेंट, ये एक और काउंटर है जहां पर रखिए नजर, एक वर्टिकल स्पाइक इस पर भी आते हुए दिख रहा है। आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, बताएं। सुदीपांशु, मार्केट में तो नोटा है मेरे एज ऑफ नाउ, बट देन मैं स्टॉक्स में एक थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट वगैरह आप देखें तो हाई लेवल्स पर बिकवाली है। 600 625 के लेवल्स जो हमने सुबह भी बात की तो निकाल नहीं पा रहा है। ऑन द फ्लिप साइड 500 440 के लेवल जो होल्ड कर रहा है, तो काफी एक नैरो रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी आ चुका है। मतलब लोअर लेवल से बाय आ रहा है और हायर लेवल्स पे सेलिंग भी आ रहा है, तो कुछ खास एक ट्रेंड नहीं बन रहा है वहां पे। बट स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एचयूएल का आप कॉल लेकर चले, 2300 के स्ट्राइक का जो इन द मनी कॉल है, अभी ट्रेड कर रहा है करीब करीब 48 पर दीपांशु, तो 48 पर आप खरीदे एचयूएल का 2300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बन रहा है कैश का ऑप्शन के हिसाब से। 300 का लॉस साइज है, डाउन साइड में जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो 36 का रहेगा। सो आप देखिए 12 पॉइंट का इंक्रीज है, विच इज अराउंड 3600 रुपीज। ऊपर में जो टारगेट इसके बन रहे थी, पहला टारगेट इसका बनेगा 66 का, 66, एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 75 का। सो 66 75, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे एचयूएल का इन द मनी कॉल ऑप्शन 2300 स्ट्राइक का। इंपॉर्टेंटली एक चीज ये है एचयूएल में दीप, सारी एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है, एंड एचयूएल में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपैरेटिवली, लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट किया है बट वीकली पॉजिटिव क्लोज दे रहा है। आई मीन ये वीक में अगर आप देखें तो भले थोड़ा साइडवेज मूव है बट पॉजिटिव क्लोज दे रहा है, 2300 के लेवल्स के ऊपर बंद दे रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 2400 2450 नेक्स्ट वीक। तो 2400 2450 की तरफ जा रहा है एचयूएल, थोड़ा डिफेंसिव रुझान इस समय बाजार का बनते हुए दिख रहा है जय।